क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक व्हीकल पे बैठे हैं और वो बिना बैटरी या इंजन के अपने आप चल रहा है, वो भी चढ़ाई पे? लद्दाख की राजधानी लेह के पास एक सड़क है जहां ऐसा ही कुछ होता है, मगर उसके पीछे का राज क्या है? लद्दाख अपने यूनिक लैंडस्केप्स और बाइक राइड्स के लिए फेमस है, एंड ऑफ कोर्स इसके लिए। आउच। पर यहाँ एक और चीज है जो टूरिस्ट को बहुत दिलचस्प लगती है, और वो है लेह से लगभग 30 किलोमीटर दूर ये स्ट्रेच। मैग्नेटिक हिल पर पहुंचते ही आपको ये साइन बोर्ड दिखेगा, और अगर आपने अपनी गाड़ी इस बॉक्स के अंदर खड़ी कर दी तो बिना आपके एफर्ट के, बिना इंजन चालू किए, आपका व्हीकल 20 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से आगे बढ़ने लगेगा। लोग कहते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग है, जो कि गाड़ियों को स्लोप की तरफ अपने आप खींचता रहता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि स्ट्रेच के ऊपर से जो प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स गुजरते हैं वो अपना एल्टीट्यूड और ऊंचा कर लेते हैं ताकि वो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बच सके। पर ये थ्योरी आसानी से डिसप्रूव हो सकती है। एक प्लास्टिक बॉटल में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती जिससे मैग्नेट का उस पर कोई भी असर पड़े, लेकिन तब भी एक प्लास्टिक वाटर बॉटल इस हिल पर अपने आप ऊपर चढ़ती है। कुछ लोकल्स का मानना है कि इस रोड में डिवाइन पावर है जिसका रास्ता जन्नत की ओर निकलता है, लेकिन सच कुछ और ही है। देखने से ये लगता है कि ये मैग्नेटिक हिल अपनी ओर व्हीकल को खींच रहा है, बट असल में इट इज सिंपल ग्रेविटी। यहाँ के आसपास की सराउंडिंग का जो लेआउट है उसकी वजह से होराइजन पूरी तरह से विजिबल नहीं है, क्योंकि पहाड़ों से होराइजन थोड़ा छुप जाता है। लेकिन अगर आपको एक वाइडर पर्सपेक्टिव मिले तो आपको पता चलेगा कि जहाँ आप खड़े हो वो जगह एक्चुअली में टिल्टेड है, जिसकी वजह से पूरा लैंडस्केप हल्का टिल्टेड है। इस वजह से आपको जो स्लोप ऊपर जाती हुई लगती है वो एक्चुअली नीचे जा रही है। तो बेसिकली ये सब एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। सिंपली पुट, आप उस वक्त एक छोटे फ्रेम को देख पा रहे हैं, लेकिन अगर आप एक वाइडर पर्सपेक्टिव देखेंगे तो ये व्हीकल असल में नीचे जा रहे हैं। ये ऑप्टिकल इल्यूजन इंडिया में सिर्फ लेह में नहीं है, गुजरात की अमरेली और गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर तुलसी श्याम में भी एक स्ट्रेच पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो अगली बार जब आप कुछ अनबिलीवेबल देखें तो याद रखिएगा कि उसके पीछे भी साइंस का ही हाथ है।